नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी को लेकर। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के भतीजे आकाश आनंद से नाराजगी दूर हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक में भतीजे आकाश ने मायावती के पैर छुए। इस दौरान मायावती ने आकाश के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। मायावती ने आकाश की पीठ भी थपथपाई। इससे पहले शनिवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद को उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा चुनाव का स्टार प्रचारक बनाया है। इसे आकाश की वापसी का संकेत माना जा रहा है। आपको बता दें कि मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने के दौरान यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी राज्यों में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। चुनाव के दौरान सीतापुर में विवादित भाषण के देने पर उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया था और उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी भी वापस ले ली गई थी। करीब 2 माह बाद आकाश को दोबारा से पार्टी में वापस लाने की जुगत स्टार प्रचारक बनाकर की गई है। वहीं रविवार को हो रही बैठक में पार्टी के सभी राज्यों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस दौरान बसपा सुप्रीमो पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर अहम दिशा निर्देश भी देंगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।